देख ओम भगवती भिक्षाम देही। हत्ते करते हैं, नौजवान है फिर भी कटोरा उठाकर भीख मांगते फिरते हैं, शर्म भी नहीं आती इन्हें। अरे भाई बगैर पसीना भाई मुफ्त की रोटियां तो तोड़ेंगे। राजगृह वालों ने भिक्षा नहीं दी। गुरुवर हम यहाँ से किसी और स्थान पर नहीं जा सकते? अवश्य जा सकते, पर जो तुम्हें यहाँ अशांत कर रहा है वो किसी दूसरे स्थान पर भी अशांत करेगा। नहीं गुरुवर, यहाँ के लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारा उपहास करते हैं, ताने मारते हैं और तुम्हें क्रोध आता है। यदि यही लोग तुम्हारे पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी, अर्थात तुमने अपनी शांति की कुंजी को दूसरों के हाथों में सौंप दी है। बाहर की बात तुम्हें विचलित भी कर सकती है और तुम्हें प्रसन्न भी कर सकती है। गुरुवर हमसे ही भूल हुई, यदि बाहर के कारण दुख और क्रोध हमारे मन में है तो हमने ही मन से आपके संदेश को ग्रहण नहीं किया है। मन में यदि प्रतिशोध का भाव आया तो ये समझना कि तुम अभी परम सत्य से बहुत दूर हो। आप कहते हैं तो मन क्षण में समझ जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी नई बात लोग आसानी से ग्रहण नहीं करते। तुम उनकी सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ रहे हो, वो तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, पहले पहले वो तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर हिंसक होंगे, फिर तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे, बस अपना धैर्य और सहनशीलता ना छोड़ना। ओम